सबसे पहले तो हम अपने शिक्षकगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं और इस संस्थान के चालक और संचालक दोनों हमारे गुरुजन लोग और हमारे बड़े भैया, सबका हम इस संस्थान में स्वागत करते हैं। तरवा रिपब्लिक डे जो हमारा मनाया जा रहा है, आज के 70 साल पहले जो हमारे देश में संविधान लिखा गया था उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी उसी पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो जिन्होंने हमारे देश में शहादत दी है उनको देखते हुए हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना है, इस संस्थान के ही माध्यम ऐसी कुछ काम करना है, चाहे वो हमारा सोशल मीडिया के तरीके से हो, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेस के तरीके से हो, कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे इस संस्थान का, हमारे यूनिक शिक्षण संस्थान का जो कि NGO के रूप में इस समय हमारे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और ऊपर वाले का शुक्र रहा तो और अच्छा काम करेगी और आप लोगों का साथ रहा तो बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों बस हम इतना कहेंगे आप लोगों से कि इस संस्थान से जुड़ करके आप जो लूटपाट भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो हमारे देश में ऐसे काम हो रहे हैं, इनको हम लोग रोकेंगे और उन लोगों को भूल नहीं पाएंगे कभी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। रहती है जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज हम सब लोग अपने परिवार में, अपने संस्थान में जिस शुभ दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इस सिलसिले में हमारे गुरुजन वृंद, हमारे परम पूज्य बड़े भैया लोग, हमारे संस्थान के जिम्मेदार शिक्षकगण, आप लोगों तक अपनी आवाज़, अपने बात, अपनी शुभकामनाएँ पहुँचाएँ। तो वहन करने में थोड़ी समस्या आती है, तो जैसे स्टेज पे भी है, जिस रूप में भी हमें अपने संस्थान में अगर हमें अगर अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम चल रहा है तो कैसे उसको ईमानदारी से करने का, बच्चों को कोशिश करें किसी प्रकार से हम लोग भी जो हमारे शिष्य हैं, जो छात्र हम पर निर्भर हैं, जो हमसे कुछ सीखने आते हैं, उनको हम लोग पूरा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आज का समय चल रहा है, व्यवसायीकरण का साथ समय चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो मूल रूप है वो कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन लॉस होता जा रहा है, खोता जा रहा है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, जो एक ओरिजिनलिटी है, एक जो रियल गुरु शिष्य का संबंध है, और हम अपने छात्रों को उस रूप में प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, जिससे वो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपना और साथ में अपने संस्थान का और हमारा भी नाम रोशन करें। क्योंकि सबसे बड़ी जो युवा है ना अपने पास, अभी एक रिसर्च आया है, जैसे चाइना भी डर गया है कि सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भारत में है, इसलिए चाइना ने भी अपनी वन चाइल्ड की पॉलिसी बंद कर दी। चाइना के अंदर ये पॉलिसी थी कि हमारे सिर्फ एक चाइल्ड होगा, वो भी अपनी पॉलिसी बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे 18 से 40 साल वाले लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं जो, और 12 से 18 वर्ष के भी लोग हमारे पास मेजॉरिटी में पूरे वर्ल्ड में, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और जो पूरे देश का जो विकास होता है, जो भविष्य होता है ना, वो हमारे कंधे पे और आप सब लोगों के कंधे पे निर्भर है।
तो अगर हम लोग ऐसे देश में जन्म लिए हैं और वो भी देश में जिस देश का विकास का स्तर 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जब हमारे देश का संविधान निर्माण हो रहा था तो लोगों के मन में बड़ी ही सस्पिशंस थे कि ये बताइए जो देश एंशियंट टाइम में राजतंत्र यहाँ पे था, जहाँ पे लोग राजा लोग शासन किया करते थे, और मिडिवल टाइम में यहाँ पे सुल्तान लोग थे, मुगल लोग थे, और मॉडर्न टाइम में जो ब्रिटिश पे शासन में रहा हो, मतलब जिस देश का अपना कोई नियम था ही नहीं, वो देश संविधान बना कैसे चला पाएगा। लेकिन आज बड़े ही गर्व के साथ हम पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में, ये तो देश का तो ठीक है, पूरा विश्व आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, इसलिए मना रहा है कि वो देश जिस देश में 70 साल से सबसे बड़ा संविधान किस रूप में चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, सब लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ साइंटिस्ट थे जिनका रिसर्च इसमें चल रहा था कि संविधान में क्या है जो इस प्रकार अपने मूल रूप में अभी भी 70 वर्ष से चल रहा है, तो ये हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सबसे पहले यूनिक परिवार की तरफ से अपने सभी गुरुजनों को, साथ साथ अपने प्रिय विद्यार्थियों को 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। और पूरे भारत देश में आज ये 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है। इनके लिए 2 पंक्तियां बोलूंगा कि जो आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि, और हम लोग खुद भी सौभाग्यशाली हैं कि पठन पाठन का मौका मिला। हमारे ही देश में 30-35% जनसंख्या ऐसी है जो चाहते हुए भी स्कूल का मुंह और कोचिंग सेंटर का मुंह और शिक्षक क्या होते हैं इस शब्दों से वंचित है। तो 2 पंक्तियां हृदय की गहराइयों से देना चाहूँगा कि हाथ में उसके कलम का आना अच्छा लगता है, हाथ में उसके कलम का आना अच्छा लगता है, उसको भी स्कूल का जाना अच्छा लगता है, और बड़ा कर दिया मजबूरियों ने वक्त से पहले, वरना सिर पर बोझा किसे उठाना अच्छा लगता है। भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं यो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस मंच के माध्यम से मैं विनय मिश्रा यूनिक क्लासेज की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, मेरे प्रिय छात्र और पूरे देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विनाश पांडे यूनिक शिक्षण संस्थान की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। तो देश सेवा जरूरी नहीं है कि जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं आर्मी वाले वही सेवा करें, आप भी सेवा कर सकते हैं। रही बात स्टूडेंट की बात, तो स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से मेहनत करिए, बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए और परसेंटेज लाइए, परसेंटेज लाएंगे तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, वहाँ से आप देश की सेवा करेंगे। कोई अच्छे कोई रिसर्च थ्योरी दीजिए, कोई अच्छा चीज़ दीजिए जो जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं, जिससे आपका देश आगे बढ़ेगा।